अर्जेंट टॉक एसएससी जेई 2021 और 22 कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। एक क्यू एन ए सेशन एक मैं रख रहा हूँ सिर्फ एक बंदे के लिए। एक बंदा था जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा था बहुत दिन से, और एसएससी जेई 2021 वाला जो भी है अभी नोटिफिकेशन, जो 2023 में एग्ज़ाम होगा, तो उसके बारे में। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, क्या सर एसएससी जेई हम सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ कर और या गुप्ता एंड गुप्ता करके क्या निकाल सकते हैं? तो ये इनका क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम क्वेश्चन का इनका आंसर देने चाहूँगा। उससे आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो टेक्निकल एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए, बात करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हो जो चीज़ें एसएससी जेई का 2 साल का पैटर्न पहले समझो। आप पहले 2 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझो, 20 और 19 के पेपर देखो, उठा के पैटर्न क्या है। प्रिपरेशन करने पहले एक चीज़ पैटर्न समझना चाहिए। एसएससी जेई क्या करता है, 2-3 सालों में अपना पैटर्न चेंज करता रहता है। देखिए, अभी एसएससी जेई में आप गुप्ता एंड गुप्ता आर एस खुरमी लगा के कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अब क्या किया है ना, मोस्टली इनके क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस हो गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। आप खासकर मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट पे, टेक्निकल में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और अच्छे लेवल पे पूछा जा रहा है। इसलिए आपको लेवल अपना इंक्रीज करना पड़ेगा, कंपेयर पहले प्रिपरेशन करने में अभी प्रिपरेशन करने में आपको डिफरेंट क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है और आप कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे इनका। तो ये चीज़ है टेक्निकल को लेकर। अनअकैडमी पे 25 लाख का स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है गाइस, और भी आरआरवी स्टूडेंट और एसएससी और बैंक स्टूडेंट के लिए। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है गाइस, और ये 20 फरवरी को एक टेस्ट, मेगा टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। आप यहाँ पे लिनोवा का लैपटॉप जीत सकते हो, आपके क्या कहते हैं मोबाइल जीत सकते हो, आप क्या कहते हैं आपकी GBL के वायरलेस जीत सकते हो, उसके बाद बहुत सारे चीज़ें जिससे स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप में से डिफरेंट रैंक पे आपको डिसाइड करके आपको रैंक पे मिल सक जाएगा गाइस। और ये बहुत अच्छी, एनरोल कीजिए, सारे लिंक दिए हैं आपको। जैसे 1 से 10 रैंक आती है तो 100% अनअकैडमिक पे स्कॉलरशिप जीत सकते हो, 11 से 25 पे 75% स्कॉलरशिप जीत सकते हो। ऐसे बहुत सारे हैं आपके रैंक पे, 25 से 26 पे 50, फिर 5100 से 100 है, फिर आपके 101 से 400, फिर 300 से ऊपर रैंक आती है आपके, तो वहां पे 1000 Amazon वाउचर भी जीत सकते हो। मेरा कोड यूज करना ना भूले, DKumar10, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। 50 क्वेश्चन आता है ना, आप लोग स्टूडेंट सस्ता मिलने चले जाते हैं, अरे नहीं हो जाएगा, मुझे आता है रीजनिंग में। बट यार देखो, रीजनिंग एसएससी ना अपना डे बाय डे चेंज करता जा रहा है, रीजनिंग भी थोड़ा सा टफ लेवल बढ़ा दिया। तो रीजनिंग कैसे करना है, रीजनिंग अब 10 साल का मत करो, मैं कहूंगा कि 10 साल आप 2019 और 20 की रीजनिंग उठा लो, 3 साल का इनका पैटर्न चलता है। तो 3 साल में पैटर्न में आपको ना वही चीजें पैटर्न मिल जाएंगी, जैसे जैसे इनका आपके जो चीजें क्वेश्चन आते हैं ना, वही क्वेश्चन रिपीट बार बार, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे बट वो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपको रीजनिंग पे फोकस कर लेना चाहिए अच्छे से, रीजनिंग और टेक्निकल 150 पे फोकस करो, अच्छे से फोकस करो। अब दूसरे माइंड में जीएस जीके सर क्या करें, देखिए जीएस जीके के लिए यार देखो ना, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना टाइम दे देते हैं जीएस जीके के लिए, और जब एग्जाम में जाते हैं तो 10 से 20 क्वेश्चन हिलते नहीं है, ये फैक्ट बात है। इंजीनियर स्टूडेंट ना आपके जीएस जीके पे जितना फोकस करके नंबर नहीं ला, लास्ट टाइम पे पढ़ते रहो, मैं मानता हूं पढ़ते रहो प्रीवियस ईयर, बट कुछ टॉपिक ऐसे करंट अफेयर करंट अफेयर पढ़ सकते हो, फिर आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं उससे पढ़ लो। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो 20 से 25 मार्क्स 20 तक ला सकते हो, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत मेहनत कर लोगे तभी नहीं आ पाएगा। तो ये पैटर्न है एसएससी का, तो ये अर्जेंट नोटिस था ये इस बंदे का, ये फ्रस्ट्रेटेड था भाई बंदा ने, तो मैं लिए सोचा कि भाई उसको सजेस्ट करूं और बताया भी फोन कॉल पे कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करो, और 3-4 साल से प्रिपरेशन एसएससी जेई का बंदा कर रहा था, तो मैंने सोचा आपको भी वो टिप्स एंड शेयर किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एग्जाम को। आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट मैं लाता रहूंगा फ्यूचर में, और अच्छी से अच्छी चीजें बताता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। जय हिंद।